वंदे मातरम। हिम्स हॉस्पिटल से आने के बाद हमारे धीरज भाई क्या कर रहे हैं आज हम जानते हैं। धीरज भाई पहुँचे हुए हैं स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण केंद्र पे, और आज सुबह 8 बजे से एक पुस्तक के अध्ययन में लगे हैं और शाम के 8 बजने को हैं, ना खाने को तैयार हैं ना पीने को तैयार हैं, सिर्फ उस पुस्तक के साथ लगे पड़े हैं। जानते हैं वो पुस्तक कौन सी है जो धीरज भाई जिस तरीके से उन्होंने बोला था कि मेरी जो जीवन का उद्देश्य है ज्ञान को इकट्ठा करना, तो उस ज्ञान के इकट्ठे करने में अभी इन्हें एक ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, उस ग्रंथ की जानकारी और इनसे क्या इनको पढ़ के लगा जी पुस्तक के बारे में जानते हैं धीरज भाई से। धीरज भाई जी, सभी को वंदे मातरम। जैसे कि मैं हिम्स हॉस्पिटल में छोड़ने से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि ग्लोबल न्यूज़ पे बहुत मुझे सराहना भी मिली थी कि एक क्रांतिकारी को कहीं एक जगह पे टिकना ही नहीं चाहिए। तो ऐसी ही भावना लेके मैं हिम्स हॉस्पिटल जो है छोड़ के मैं आया हूँ, और डॉक्टर विश्रुत चौधरी जी के मार्गदर्शन से ही मैं ये सब कार्य संभव कर पा रहा हूँ। तो अभी मैं जो पहला मेरा विजिट है जैसे स्वस्थ समृद्ध परिवार केंद्र गोविंद भैया के शरण में आए हैं हम, और गोविंद भैया के यहाँ पे आने के बाद मुझे जो यहाँ पे जो चीज़ें देखने को मिली बड़ा ही चमत्कारी, बड़ी अच्छी चीज़ें मिली। और उसमें से हालांकि बहुत सारे ग्रंथ हैं गोविंद भैया के पास, यहाँ पे देखिए बहुत सारे ग्रंथ ऑलरेडी रखे हुए हैं, पर इसमें से मुझे जो है एक ये ग्रंथ है जो कि करीब मैं काफ़ी समय से पढ़ रहा हूँ, जिसे गोविंद ने बताएं अभी मैंने 152 नंबर पृष्ठ पे हूँ मैं, इस समय पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पहुँचा हूँ। और ये जो ग्रंथ है हमारा आयुर्वेद जो ग्रंथ है इसके अंदर इतने ज़बरदस्त इसके अंदर अनुभव है, इसमें बहुत सारे जो पेशेंट का अनुभव लेके उस टाइम कौन से वैद्य ने उन्हें इलाज दिया था, उपचार दिया था, उनका नंबर तक दिया है, उनका एड्रेस तक दिया है। तो ये बहुत ही चमत्कारिक है। जैसे अगर मैं दूसरे ग्रंथों की बात करूं जैसे चरक संहिता हो गया, सुश्रुत संहिता हो गया, अष्टांग हृदय हो गया, क्योंकि उसकी हिंदी जो भाषा है थोड़ी सी कठिन है, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ सकते हैं, तो ये जो भाषा है बड़ा सरल है। अगर मुझे अभी तक का अगर कोई सबसे अच्छी किताब लगी, हालांकि मैं भी बहुत सारे किताब ग्रंथ जो है पढ़ते रहता हूँ, पर मुझे जो सबसे सरल और सबसे अच्छी जो किताब लगी ये मुझे लगी हमारा आयुर्वेद जो किताब है, इसमें जो वैद्य त्रिलोकी चंद जी हैं जो कि इनका अनुभव पता चला कि 1965 से जो है ये इस चिकित्सा वाले क्षेत्र में है, और उनका ये ग्रंथ इतना जबरदस्त है, बहुत अच्छा है कि ये हर घर में होनी चाहिए। अगर हमारे पास इस टाइप के अगर ग्रंथ हो तो शायद हमें किसी डॉक्टर की जरूरत ना पड़े, किसी हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़े, हम चाहे तो अपने डॉक्टर, जैसे मैंने एक प्रॉमिस किया है, हमारा एक संघर्ष है, हम जीवन भर इसी लाइन में काम करते रहेंगे। मैं कोई वैद्य नहीं, कोई बड़ा डॉक्टर नहीं, मैं कोई वैद्य हूँ, मैं एक डॉक्टर विश्रुत चौधरी जी की टीम में एक्सपर्ट हूँ, और मैं एक क्रांतिकारी विचार भावना देके राजीव दीक्षित जी के विचारधारा पे मैं कार्य कर रहा हूँ। और मैं जो चाहता हूँ कि आप अपने डॉक्टर खुद बन जाएं, उसी विचारधारा पे मैं कार्य करते हुए आज मेरा जो पहला यहाँ पे राउंड हुआ है, जो गोविंद भैया के केंद्र पे मैं आया, स्वस्थ समृद्ध परिवार के जो केंद्र पे आया, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। और ये ग्रंथ जब से मैं पढ़ रहा हूँ मुझे इतना आनंद आ रहा है, मतलब इसके अंदर इतने चमत्कारी अनुभव जो कभी मैंने सुना नहीं, देखा नहीं, उस टाइप के अनुभव, और बहुत सरल भी अनुभव, बहुत सारे रेडीमेड जो चीजें नहीं बना सकते हैं वो रेडीमेड भी अनुभव इसमें आयुर्वेद की दवाइयों के बारे में दिया गया, कैसे खाना कैसे लेना है। अगर आपको उस समय भी नहीं समझ में आए तो आप उस स्थिति में उस वैद्य को फोन भी कर सकते हैं, शायद उनका नंबर भी इस पे दिया हुआ रहता है, कई सारे वैद्य के नंबर दिए हुए हैं, भारत के अलग अलग राज्यों के अलग अलग वैद्य जो हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, मतलब जो काम किए थे उनके नंबर दिए गए हैं, जो ऋषि मुनि के पद चिन्हों पे कार्य कर रहे हैं, मतलब इतना अच्छा अनुभव है। तो ये हमारे पास ग्रंथ जो है गुरुदेव पास से फिलहाल ये ग्रंथ मैं एक लेके जा रहा हूँ। इस ग्रंथ की कीमत थोड़ी सी ज्यादा लगेगी बहुत सारे लोगों को, पर अगर हम एक बीमारी को अगर हम इस ग्रंथ से ठीक कर लिए तो वो पैसा कुछ भी नहीं है। इसका कीमत जो है 1850 रुपया इसका कॉस्टिंग है, जो वैद्य ने इसे लिखा है उनके तरफ से इनकी कॉस्टिंग जो है 1850 रुपये, पर इतनी अच्छी इसके अंदर ज्ञान की बातें लिखी हुई है तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं बोला मैं स्पेशल इसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, और वीडियो बना के मैं लोगों को इसके बारे में मैं जागरूक करूंगा। तो जो भाई लोगों को अगर ये ग्रंथ चाहिए
तो आप मुझे भी संपर्क कर सकते हैं या गोविंद भैया से संपर्क कर सकते हैं। गोविंद भैया का नंबर जो है मैं बता दूंगा, डाल दूंगा मैं वीडियो में, दिखेगा आपको। तो गोविंद भैया से संपर्क कर सकते हैं, या आपको गोविंद भैया का नंबर नहीं मिला तो जिस पास मेरे पास नंबर है मेरा नंबर से संपर्क करिए, मैं उनसे कॉन्टेक्ट करवा दूंगा, आप वहां से आप ले लेना। ये सभी के घर में होना चाहिए। इसके साथ में मैंने एक चीज और देखा कि गोविंद भैया के यहाँ पे बहुत सारे गौशाला से गोविंद भैया जुड़े हुए हैं, तो देसी गाय का जो है घी है, और ये दो अलग अलग देसी गाय के नस्ल है, उसकी घी है, देसी गैया गौ माता की घी है, जो कि हम लोग बहुत सारे पेशेंट को जिनको हाइपर एसिडिटी की दिक्कत होती है, जिनको पित्त उछलना रहता है, जिनके अंदर पित्त बढ़ा हुआ रहता है, ऐसे बहुत सारी बीमारियों में घी बहुत सर्वोत्तम है। देसी गाय का दूध, देसी गाय का घी बहुत ही अच्छा चमत्कारी रिजल्ट देता है। मैंने बहुत सारे पेशेंट के बहुत सारे अनुभव लिए हैं। समय आने पे मैं पूरा प्रमाण के साथ में इसको जरूर दिखाऊंगा लोगों को, और मेरे बहुत सारे टेस्टिमोनियल पेशेंट के मैं देते रहता हूँ। तो ये बड़ी अच्छी चीजें मुझे यहाँ पे देखने मिला, मेरा मतलब यहाँ पे आना बड़ा सफल हुआ। मतलब यहाँ पे मैं कुछ सोच समझ के भी आ रहा था कि भाई वहाँ पे चलो जाते हैं, कुछ ना कुछ जरूर सीखने मिलेगा। तो ऐसे मेरा एक उद्देश्य है, भारत के हर राज्य में मैं जाऊंगा, हर जगह पे जाऊंगा, जो कभी सोशल मीडिया पे नहीं आए वैद्य उनको भी मैं सोशल मीडिया पे लाने का प्रयास करूंगा, उनकी ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, और सभी को स्वस्थ बनाने का एक जो हमारा सपना है, जैसे गोविंद भैया का भी सपना है स्वस्थ समृद्ध परिवार, जो हमारा एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, गोविंद भैया का चैनल है, उस पे हजारों अनुभव ऑलरेडी पड़े हुए हैं, हजारों अनुभव ऑलरेडी पड़े हैं ऑडियो वीडियो के माध्यम से और टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव पड़े हैं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप उस चैनल पे भी जाके अपनी ज्ञान को अपग्रेड कर सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, ताकि हमारे घर में कोई बीमारी ना आए। मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है कि आपको मैं ये चीजें ऐसी बताऊं ताकि आपको सरल तरीके से आपको ठीक हो। जैसे मैं बताना ये चाह रहा हूँ, एक दो मिनट में मेरी बात खत्म करूँ, दो मिनट में एक मिनट में, हमारे परिवार में अगर कोई भी एक बच्चा बीमार पड़ जाता है, हमारी माताएं बीमार पड़ जाती है, हमारी बहनें बीमार पड़ जाती हैं, तो बहुत सारी दिक्कतों को झेलना पड़ता है। तो शायद किसी को बीमारी आए ही ना, हम लोग उस पर कार्य कर रहे हैं और इसी कार्य में हम प्रयासरत रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद भैया का कि मैं यहाँ पे मुझे मौका मिला आने के लिए, और ये सब ज्ञान जो है मैंने एकत्रित किया है। तो आप सभी लोगों को वंदे मातरम, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। गोविंद भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।